जैसे मेघा छाए सारी सारी रहना, झुके झुके साए जब जब पल के उठे ना, सुबह कैसे जाए चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्मा। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बरवक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे लेफ्ट पे मौजूद हैं एक MBA खातून जिनका नाम है नीलम, और इन्होंने शादी की है एक मजदूर से जिनके हाथ में आप देख सकते हैं हथौड़े करंडियाँ मौजूद हैं, और इनसे जानेंगे कैसे ये शादी हो गई, क्या ये मोहब्बत की हुई या अरेंज मैरिज हुई, वो इनसे जानेंगे। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, लग रहा है माँ बाप के बीच में बच्चा बैठा हुआ है ना। लेकिन फिर भी आप ये बताएं कि आप MBA हैं? जी मैं MBA हूँ। और आपने मतलब नीलम ये जुबैर साहब से कैसे शादी की, एक मजदूर से कैसे शादी कर ली? वो भी इंसान ही है, मैं भी इंसान हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर जोड़ तो बनता ही है। हाँ, इंसान इंसान का जोड़ बनता है, लेकिन कैसे मुमकिन हुआ? मतलब आजकल एक MBA की लड़की हो तो वो कहती है कि मैं मुझे डॉक्टर मिले, मुझे MBA ही कोई मिले, कोई अमीर मिले। आप मतलब एक अच्छा पढ़ी लिखी और उसके अलावा अच्छी जॉब करने वाली, आपको अच्छी जॉब मिल सकती थी तब, तो आपने कैसे एक मज़दूर से शादी कर ली? जी बड़ी लंबी कहानी है, सुना दें? चलें आप कहते हैं तो सुना देते हैं। बहरहाल कहानी इस तरह है कि हमारे अम्मी अबू के घर में काम हो रहा था और काम करवा रहे थे, तो ये हमारे घर में काम कर रहे थे, तो अम्मी अबू नहीं जा सके तो उनकी जगह मैं चली जाती थी। अच्छा। देखने के लिए कि कितना काम हुआ कितना नहीं। तो एक दो बार गई हूँ, काम गलत हुआ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने इनको बोला, काफ़ी डांटा, तो ये मुझे बस देखते रहे ना, कुछ बोले नहीं। तो फिर दूसरी बार गई, फिर कोई गलत काम हो गया था, फिर इनको मैंने डांटा बोला, फिर इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो तीसरी बार फिर जब मैं इनके पास गई तो ये हथौड़ी से ना कोई मतलब कील वगैरह कुछ ठोक रहे थे, तो मैंने फिर एकदम इनको जाके डांटा ना, तो ये अचानक डांटने से मेरे इनके हाथ पे हथौड़ी लग गई और खून निकलना शुरू हो गया। तो ये फिर भी मुझे देखते जा रहे हैं, टकट अपने हाथ को नहीं देखा इन्होंने, तो खून निकल रहा है, ये नहीं देख ही जा रहे। अब कूर रहे, मुझे तो यही फूल, अब मुझे ये बोलेगा डांटेगा ये था। लेकिन फिर मैंने इन पे तरस खाया, मैंने कहा तरस आ गया। हाँ जी, मुझे तरस आया कि अब पास भी कोई नहीं था कि इसको बैंडेज करवाए इनको, तो वो फिर मैं खुद ही इनको कहा कि चले मैं बैंडेज कर देती हूँ। तो वहाँ कील ठोकते ठोकते आपने प्यार का जादू ठोक दिया फिर? जी प्यार का बस इनके दिल में जागा और इन्होंने मेरे दिल में जगाया, तो बस कहानी स्टार्ट हो गई। हैं जी, क्या हुआ था आपको, कैसे वो प्यार कैसे जहन में आ गया कि यार इसको कूरना है, इंटा नहीं देखनी है, इंटा नहीं देखना है, इनू देखना है, ताई काम खराब हो रहा सी। बस वो इनके घर में जब काम करता था तो वो बात बात पे मुझे डांटती थी, मुझे बात बात पे टोकती थी, ये क्या कर दी है, वो क्या कर दी है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बस एक दिन ही आई, मैं काम कर रहा था तो कील लगा रहा था मैं, अचानक इन्होंने मेरे सर के ऊपर आके बोलना शुरू किया और मैं पजल हो गया, डर गया। वो होता है ना, जब प्यार किसी से हो रहा है उससे बंदा डर भी लगता वो है, वरना तो आप किसी के बाप से भी नहीं डरते थे। वो थोड़ी जो फिसली है वो उसी का मसला है सारा, जो फिसली है ना वो पिछली है, वो मेरे अंगूठे पे लगी आके, ये उंगली मेरी डैमेज हो गई यहाँ से, अभी भी निशान ये निशान है। हाँ जी, ये देखे ये निशान है, तो वो डैमेज हो गई। फिर मैं परेशान हो गया और परेशानी के आलम में मुझे और तो कुछ नहीं सूझा, मैं इनकी तरफ ही देखता रहा। ठीक, फिर इन्होंने आपको पट्टी की? इन्होंने फिर मुझे मलम पट्टी की। मलम पट्टी के बाद मुझे ये भी एहसास इन्होंने दिलाया कि मैं इंसान हूँ या कि जो भी है। लेकिन आप मतलब आपसे इन्होंने हमदर्दी की? हमदर्दी की, और आपको एहसास हुआ कि यार कितनी अच्छी खातिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एहसास हुआ है इसी बात का कि यार कितनी अच्छी हैं। फिर मैं दिल ही दिल में इनको चाहने लगा। प्रपोज कब? हाँ जी, प्रपोज
वक्त के साथ साथ फिर सारी बातें ही हो जाती हैं। तो वो फिर शादी हो गई हमारी। नहीं, शादी तो हो गई, शादी से पहले आपने मतलब रिश्ता कैसे हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने माँ बाप से बात की या इन्होंने खुद आपके माँ बाप से? नहीं, इन्होंने बात की थी, डरते डरते मुझसे बात की कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके काबिल तो नहीं हूँ लेकिन मेरा दिल आप पे आया है और मुझे यकीन है कि आप मुझे निकाह नहीं करेंगे, ये वो। और उस वक्त मेरा भी इन पर दिल आ गया था कि वाकई एक अच्छा इंसान है। और आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं किसी डॉक्टर से कर लूँगी, एक मजदूर से क्या करूँगी यार, एक डॉक्टर से कर लूँगी जी, या फिर इंजीनियर से या बिजनेसमैन से? जी, जब तक ये सामने नहीं थे तो यही सोची आती थी कि मैं वकील से शादी करूँगी या डॉक्टर से शादी करूँगी या किसी बिजनेसमैन से शादी करूँगी, हर लड़की के आती है। तो पर जब जहाँ प्यार हो तो फिर वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। और दूसरा मतलब यार मजदूर भी तो इंसान होता है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि आप, क्योंकि आपकी स्टोरी बड़ी मुनफरिद है, आप MBA हैं माशाल्लाह, आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा मियाँ अभी भी ये मजदूरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपने कभी इनको रोका नहीं? मैंने कभी इनको टोका नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपनी हलाल की जो रोज़ी कमाते हैं यहीं से स्टार्ट हुए थे और यहीं पे ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। बिल्कुल, बड़ी बात है। इसमें मुझे अनिल कपूर की एक फिल्म भी याद आ गई जिसमें वो साथ वो औरत होती जो बड़ी अमीर होती लेकिन वो अपनी मजदूरी उसी की कंपनी में कर रहा होता है। जी, और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब ये कमा कर लाते हैं और उसी से खाना बनता है, हालाँकि मैं भी एक AC में बैठी होती हूँ और कभी क्लाइंट आ गया नहीं आया, तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि असल कमाई जो है वो इन्हीं की है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, यकीन करें मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, इतनी अच्छी आपने बात की जो मेरे दिल को लगी है। आप जैसे आप इनके दिल को लगी है ना, ऐसी ये बात मेरे दिल को लगी है, लेकिन यकीन करें बड़ी बात है। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो सिर्फ लालच में शादियाँ करते हैं कि गड्डी होनी चाहिए, जहेज इन्ना होना चाहिए, तो पता नहीं की होना चाहिए, उनको क्या मैसेज देंगे कि यार मजदूर एक गरीब भी तो इंसान है, उससे भी शादी की जा सकती है? जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी से ही शादी की जाए, क्योंकि जिस लालच में माँ बाप अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं ना कि वो गाड़ियों में ऐश करेगी, जेवरों में खेलेगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, वही चीज़ एक गरीब आदमी भी दे सकता है, दे सकता। लेकिन वो अपनी इज्जत की चादर में। क्या बात है कि हम दर्दी में, उसके अलावा वो आपको सबसे बड़ी बात, एक प्यार है वहाँ पे, छोटे से घर छोटा भी हो लेकिन वहाँ प्यार है। ज़रूरी तो बड़ा बंगला और उसमें प्यार ही ना हो, क्या फ़ायदा उसका है? जी बिल्कुल, ऐसे ही सोच सर, तुसी की मैसेज दोगे हैं जेडे इंटा लांदे लांदे तुसी बड़ा मतलब बड़ी इंटी ले आए घर। मेरे यार दोस्त भी मेरे साथ यही बातें करते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी ये कहा कि ये तो ऐसी मजदूरी मिलती कहाँ से है, कौन सी जगह जो इस तरह की मजदूरी मिलती है? बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार ऐसी मजदूरी कहाँ से तूने ये तुझे मजदूरी मिली है, इतनी अच्छी मजदूरी, हमें भी वो जगह बता दो, हम भी अल्लाह के दरबार में। मैंने सब को यही कहा कि ये नेक नीति से आप जाओ, काम करो, करके दिखाओ लोगों को, उस नेक नीति में अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है, आप भी नेक नीति से काम करो, आपको भी ऐसी मजदूरी मिलेगी, इससे भी अच्छी मजदूरी मिलेगी। अच्छा, इससे भी अच्छी मजदूरी मिलेगी। अच्छा, आपसे अच्छी मजदूरी हो सकती है इनके लिए कोई? लेकिन हर जगह जुबैर नहीं होता है ना। हाँ। तो मजदूरियाँ भी उनको एक जैसी नहीं मिलती, हर जगह नीलम भी नहीं होती। मैं गगले जाए, मुझे मारो, ये लो इंट, ये मेरे सर में थोड़ी मारे, थोड़ी सी मार दे प्लीज, मुझे होश नहीं आएगा, मारेंगे तो थोड़ा सा तो मारे थोड़ा सा। अब जाके मुझे होश आया। चले, मुझे अब ये बताएं कि आप माशाल्लाह आपका रिश्ता, कभी इन्होंने कुछ ताना मारा कि तू तो मजदूर है, मैं MBA? नहीं, मुझे ताना वाना तो नहीं कभी मारा, लेकिन कोई मुक्का लत जड़ी जानती है। नहीं, वो प्यार में हो जाता है। चलें जी, माशाल्लाह आपका प्यार इसी तरह बरकरार है। आप क्या मैसेज देंगे कि एक गरीब से भी शादी की जा सकती है, शादी के लिए एक सिर्फ मतलब नहीं होना चाहिए, एक गरीब के लिए मफाद की शादी नहीं होनी चाहिए, एक समझौता मफाद का नहीं होना चाहिए, प्यार इश्क मोहब्बत का समझौता होना चाहिए। तो आप ये बताएं कि मजदूर भी तो इंसान है, अमीर लड़की भी उससे शादी कर सकती है, क्या कहेंगे इसके बारे में, मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं यही सबको दूंगा कि नेक नीति से काम करो, मजदूरी करो, क्योंकि मजदूर का हाथ वो है जो अल्लाह, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो एक मजदूर का हाथ था, जब हाथ से हाथ मिलाया तो सरकार ने पूछा कि तुम क्या करते हो,
तो वो मजदूर ने कहा सरकार मैं मजदूरी करता हूँ, तो वो सरकार ने मजदूर का हाथ चूम लिया। इसी तरह आप भी सच्चे दिल से सही मजदूरी करो और नेक नीति से करो और अपने हाथ को वही बनाओ जो चूमने वाला हाथ था। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, नबी पाक की बात की, बहुत अच्छा मैसेज। इसीलिए मैं भी ये मैसेज देता हूँ कि खुदा रा शादियों में ये नहीं करें, मुफाद की शादी नहीं करें, मोहब्बत की करें, अमीर गरीब ना देखें, इसमें इंसानियत देखें, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। अच्छा आप इजाज़त चाहेंगे, उससे पहले यार एक जुमला बोल दें, वो जो सनी देओल का है, मजदूर का हाथ है। नहीं मैं सनी देओल का तो नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने हाथ को ऐसा बनाओ कि जैसे वो कहते हैं ना कि ये मजदूर का हाथ है गातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ऐसे ही ना। हाँ। अच्छा जी आप अब अपनी जो है बेगम के लिए गाना गाएंगे, और गाना बल्कि ऐसे गाते हैं, एक मिनट आप थोड़ी पकड़ें, यहाँ से आप ये पकड़ें, ये मुझे दें, चलें जी अब आप गाना सुनाएं। जैसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए, सारी सारी रहना हाय, झुके झुके साए हाय, जब जब पल के उठे ना सुबह कैसे जाए हाय, चंदा छुप छुप जाए हाय। अब आप सुनाए ना इनको गाना। मैं वो सुना दूँ आपको इनके लिए जो कभी इनको सुनाया करती थी। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। वाह वाह वाह, गगले जाए। नाज़रीन इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दें कि शादियां सिर्फ मुफाद पे नहीं होंगी, मतलब पे नहीं होंगी, शादियां मोहब्बत की शादी होंगी, जहां पर छोटा सा भी घर हो उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। फिलहाल मुझे नीलम को और ज़ुबैर भाई को इजाज़त दें, फी अमानुल्लाह। ज़ुबैर भाई मजदूरी कहाँ से मिली है?